हरी बोल एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ अपनी भगवद गीता की लर्निंग शेयर करूंगी। 2011 की बात है, जब निखिल भाई जो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर है, उनका मेरे को फ़ोन आया कि मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो मेरे साथ। मैंने कहा ओके भाई, वो मेरे ब्रदर भी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो जैसे उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है। भगवद गीता तो मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, पढ़ती थी। तो सब कहते थे जब किसी की डेथ हो जाए उस तरह से अलग अलग, तो मैं भी पढ़ती थी चैप्टर, तो कुछ समझ नहीं आती थी। मैंने कहा भाई मैं तो पढ़ती हूँ। तो भैया कहने लगे कोई नहीं, आप मेरे साथ देख ये वाला तो देखो। तो मैंने पढ़नी शुरू कर दी, उन्होंने मेरे को पढ़ानी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू की, मेरे को बड़ी सारी चीज़ें ना समझ आनी शुरू हो गई कि जो हम अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम कभी कभी अपनी लाइफ में फंस जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या करें। तो जैसे जैसे भैया ने मेरे को श्लोक पढ़ाने शुरू किए, तो आई अंडरस्टैंड कि यही तो है, ये भगवान हमें सारी बातें बोल के गए हुए हैं। क्यों हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? भगवान अर्जुन के माध्यम से तो हमें सब कुछ बोल के गए हुए हैं। मैंने बड़ी सारे श्लोक पढ़े, पर जो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा, भगवान खुद ही तो समझा रहे हैं कि जब तक हम भगवान से नहीं जुड़े हुए, अगर जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारी बुद्धि में कुछ ना आएगी और मन भी हमारा स्टेबल रहेगा। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो इन चीज़ों के बिना सुख और शांति नहीं मिल सकती। ये मेरा अपना अनुभव भी है। जब से मैं इन चीज़ों से, भगवान से जुड़ी हूँ, कृष्णा भावना मृत से जुड़ी हूँ, तो कैसे मेरा मन भी शांत हो गया है और बुद्धि में जब कृष्णा आ जाता है तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी हेल्प होती है। मन है जो स्टेबल रह पाता है। दोस्तों, भगवद गीता में एक और श्लोक आता है, जब भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त को किसी चीज़ की डर नहीं लगना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता है, कुंती पुत्र घोषणा कर दो। तो जब मैंने वो पढ़ा, मेरे को से ये समझ आई क्यों हम पास्ट और फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं। पहले मैं भी बड़ी ज़्यादा टेंस हो जाती थी, कुछ पास्ट की बातें तंग करती थी और फ्यूचर को लेके भी माइंड में रहता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब से मैंने ये श्लोक पढ़ा, मुझे यही समझ आई जब भगवान हमें बता रहे हैं तो हमें वैसा ही करना है और इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करना है। और फ्रेंड्स, मेरे को ये वाला श्लोक भी बड़ा ही अच्छा लगता है, जब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो हमारा मन है वही हमारा मित्र भी है और वही हमारा दुश्मन भी है। तो मैंने यहाँ से ये लर्निंग ली कि बेस्ट फ्रेंड किस तरह से हम अपने मन को बना सकते हैं। अगर हम अपने मन को बेस्ट फ्रेंड वैसे बना सकते हैं सत्संग साधना और सेवा से, है ना, तो एनमी किस तरह से हुआ हमारा? क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो चुके हैं, हमको पता ही नहीं चलता, हमारा मन स्टेबल नहीं रहता। अगर हम अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, भगवान के डिवोशन में लगा लें, तो वही मन है जिसको हम अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ स्टेबल रहेगी। दोस्तों, समाज में भगवद गीता को लेके बड़ी सारी गलत धारणाएं हैं कि भगवद गीता तब पढ़ी जाती है जब कोई डेथ बेड पे है, किसी की डेथ होने वाली तब सुनाई जाती है। साथ में ही मैंने देखा, जब मैं भगवद गीता पहले पढ़ती थी, ये देखती थी कि जब कई बार होता है कि आप भगवद गीता तब पढ़ते हो कि किसी को डेथ हो गई, किसी को शांति के लिए। लेकिन मेरे को तो यही समझ आई कि भगवद गीता हमें आज अपने प्रेजेंट टाइम में समझनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। जब अर्जुन को इतना टफ टाइम था तो भगवान ने उसे भगवद गीता के समझाई। इसी तरह से हम सबका भी टफ टाइम कभी ना कभी चल ही रहा था हर टाइम। हम अगर अभी ये सीख लें, प्रेजेंट टाइम को ही अपना एंजॉय करना है, तो भगवद गीता हमें अभी ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो हमारे करंट लाइफ में हमारी सिचुएशंस कभी इधर उधर हो जाती हैं। कभी ये सजेस्ट करती हूँ, जैसे भगवद गीता पढ़ने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, आप सब भी पढ़िए, आप सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। श्रीमद भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज फॉर द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरे हरि बोल, हरे हरि बोल।